सेंसिटिव है, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ के मन में ये क्वेश्चन आता है कि डिलीवरी के पहले आपको अपने प्यूबिक हेयर, जो आपके प्राइवेट पार्ट का जो हेयर होता है, उसको किस तरह से रिमूव करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि आपके जब डिलीवरी का समय आता है तो आपके उस पार्ट की क्लीनिंग होना ज़रूरी होती है, और चाहे वो नॉर्मल हो या फिर सी सेक्शन हो, आपके उस पार्ट की क्लीनिंग ज़रूरी होती है। अब रही बात कि उस क्लीनिंग के लिए आपको जो लेडीज़ हैं जो कि 9 मंथ में रन कर रही हैं, वो क्या किस किस तरह से चीज़ों को परफॉर्म कर सकती हैं, तो उसके लिए सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक मैं इन डिस्क्रिप्शन पे या फिर आई बटन पे डाल दूँगी, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन ज़रूरी सूचना आपको इस वीडियो में ये देने वाली हूँ कि मेथड्स तो आपको ऑलरेडी मैंने बताए हुए हैं, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। इस तरह की कोई भी फैंटेसी वाली चीज़ में आप बिल्कुल ना पड़े कि आपको पूरी तैयारी घर से करने की ज़रूरत है। इस टाइम पे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप और आपका बच्चा सेफली रहें। अब आप बोलोगे कि इसमें सेफ अनसेफ की क्या बात हो गई, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 9 मंथ में आप अपने फुल टर्म में होते हैं, जिस टाइम पर आपका पेट पूरी तरह से बढ़ा हुआ होता है। उस टाइम पे अगर कोई लेडी बाथरूम में जाके अगर इस तरह की साफ़ सफाई करती हैं, या फिर आप सोच सकते हैं कि बाथरूम का फर्श गीला होगा, या फिर अगर कहीं पर भी इन केस अगर मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा भी अगर आप अनबैलेंस हो गए, तो इसका भुगतान बहुत बड़ा हो सकता है। तो आपको करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको इस तरह की कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 9वें महीने में चल रहे हैं, आपकी अब तब में आपकी डिलीवरी होने वाली है, बिल्कुल ईडीडी के आप करीब हैं, और आप चाहते हैं कि प्राइवेट पार्ट के एरिया के बाल आप क्लीन करें, तो अगर आप क्लीन करना ही चाहते हैं तो मेक श्योर करिए कि बाथरूम वगैरह में ना करके आप अपने बेडरूम में कर सकते हैं, नीचे बैठ के टॉवल बिछा के कर सकते हैं, जहाँ पर भी स्लिप करने का, गिरने का कोई भी चांसेस नहीं हो। और किस तरह से कर सकते हैं, ये 5ों मेथड मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा सेफ तरीका ये होता है कि आप बिल्कुल एज इट इज़ छोड़ दीजिए। क्योंकि जब भी अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही आप दर्द में होते हैं और तुरंत से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। ये बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं, क्योंकि कई बार जब अगर आप मेरी और वीडियोज़ को एज अ रेफरेंस देखिएगा, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि बच्चेदानी के मुँह को आप घर पर ही, मतलब आप खुलने का उसका वेट कर सकते हैं, खुल जाएगा तो आपको हॉस्पिटल में कम समय बिताना पड़ रहा है। लेकिन कम समय का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप बस हॉस्पिटल जा रहे हैं और 5 मिनट के अंदर आपकी डिलीवरी हो गई। 5 मिनट का आपको वक्त मिलता है, और भी डॉक्टर्स और हेल्प करने के लिए बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो भी कर्मचारी वगैरह होते हैं, उनका ये काम होता है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ की साफ़ सफाई का ध्यान रखें। अगर वो ऑपरेशन के लिए जा रही हैं, यानी कि अगर सी सेक्शन के लिए जा रही हैं, तो उनके जैसे कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है कि जितने भी वैल्यूएबल चीज़ है, आपको पहले ही उसको रिमूव कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपने नेल पेंट वगैरह लगाया है, तो वो भी तक रिमूव आपकी कर देंगी। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ही करके जाना है। आप अपने वैल्यूएबल का सिर्फ ख्याल रखिए, और बाकी के जो काम है वो बिल्कुल वहाँ पर हॉस्पिटल में हो जाते हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और तुरंत 5 मिनट के अंदर डिलीवरी नहीं होती है, आधे घंटे घंटे का वक्त तो लगता ही लगता है मिनिमम। तो इतना आपको सोच के चलना चाहिए कि अपने से खुद भी ऐसा कोई परफॉर्मेंस ना करें जो कि बिल्कुल आप स्टंट कर रहे हैं। ऐसा सोच के कि मैं साफ़ सुथरी हो के जाऊँगी, पूरी क्लीनिंग करके जाऊँगी, उसके बाद डिलीवरी होगी, उस टाइम पे आपको काफ़ी अच्छा वक्त मिलता है, और बहुत सारे जो लोग होते हैं वो आपकी हेल्प के लिए होते हैं, वो आपकी मदद पहले ही से कर देंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सी सेक्शन, बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। अगर सी सेक्शन होगा तो आपके पेट के निचले हिस्से को भी अच्छी तरह से क्लीन की जाएगी, क्योंकि हल्के हल्के से भी रोएं जो अगर आपके पेट में होते हैं, उनकी भी क्लीनिंग होती है, और साथ ही साथ जो आपके प्राइवेट पार्ट वगैरह के भी थोड़ी क्लीनिंग हो जाती है। सी सेक्शन में कम होती है, नॉर्मल डिलीवरी में अच्छी तरह से क्लीनिंग होती है, और उस टाइम पे आपको एनीमा भी दी जाती है। एनीमा क्या होती है, एनीमा क्यों दिया जाता है, सब के बारे में मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक मैं यहाँ पर ड्रॉप कर रही हूँ कि आप किस तरह से 5 तरीकों से अपने प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग कर सकते हैं, जो हेयर होती है प्यूबिक हेयर होती है उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं, और दूसरी कि एनीमा कैसे दी जाती है, एनीमा में आपको कुछ दर्द होता है नहीं होता है, पट्टी कैसे निकलती है, सब के बारे में बताया हुआ है। तो जानकारी ज़रूर लीजिए, वीडियोस को देखिए और चैनल को ज़रूर शेयर करिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे के पेज को फॉलो करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।